जैसे जैसे गर्मी चरम पर पहुंच रही है, छतरपुर की विद्युत व्यवस्था चरमरा गई है। ओवरलोड के कारण आए दिन विद्युत की लाइनों और ट्रांसफार्मर में आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे रात रात भर बिजली गायब रहती है। बीती रात भी ऐसा ही हुआ, जब रात 3 बजे तक शहर के नया मोहल्ला, जेल कॉलोनी, सीताराम कॉलोनी, फौलादी कलम, बकायन मार्ग, पठापुर रोड सहित शहर के आधे हिस्से में लोग बिजली कटौती से जूझते रहे। इस दौरान गुस्साई भीड़ भी रात को विद्युत वितरण कार्यालय पहुंची और यहां मौजूदा स्टाफ पर जमकर गुस्सा निकाला। उल्लेखनीय है कि रात के समय विद्युत मरम्मत के कार्यों के लिए विभाग के पास सिर्फ एक गाड़ी मौजूद रहती है, जिसके कारण बिजली खराब होने के बाद सुधार कार्य में काफी देरी होती है। वहीं दूसरी तरफ विद्युत वितरण कार्यालय के द्वारा बनाए गए शिकायत कक्ष पर भी फोन न उठाए जाने की समस्या बनी रहती है, जिससे आम जनता अपनी शिकायतें भी नहीं पहुंचा पाती। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले कांग्रेस नेताओं ने बिजली कार्यालय का घेराव करते हुए सुधार का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन हालात अब भी नहीं सुधर रहे हैं। आधे घंटे केबल में आग लग गई है। आज इतनी स्थिति है, यही स्थिति है, लगभग 1.5 महीना हो गया है भैया। रोज रात के लाइट जाती है और हम लोग मोहल्ले वाले सभी लोग परेशान होकर पावर हाउस जाते हैं, वहाँ कोई मिलता नहीं है। 2-2 घंटे रात के अपनी 3-3 बजे तक लाइट नहीं आती। हम लोग 1.5 महीने से बहुत परेशान हैं। आज केबल बदली है, वो केबल भी उन्होंने सही नहीं दी, आज फिर पूरी केबल ये जल गई रात। अधिकारियों की क्या हाल है? अधिकारियों की ये हाल है कि फ़ोन उनके बंद है, वो तो मस्त हैं, जनता त्रस्त, कोई किसी को कोई मतलब ही नहीं है। बिल देने से मतलब है, कोई किसी को मतलब, जो समस्याएं हैं जनता की उससे कोई मतलब नहीं है। गाड़ी आप सोचिए कि रात के एक ही गाड़ी है। सोशल मीडिया पे मैंने एक पोस्ट देखी थी, उसमें अधिकारियों के नंबर पड़े हुए थे, लेकिन उन नंबरों को लगाओ तो एक नंबर भी नहीं लगता है। जनता परेशान है, लेकिन किसी को कोई मतलब ही नहीं है।